हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एनालिटिक्स एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने एप्स के लिए मोर शेयर एंड रेटर्स का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। इस पेज को क्रिएट करना काफी इजी होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि इस पेज को कैसे क्रिएट करेंगे। नेविगेशन ड्रॉअर्स में रेट शेयर एंड मोर एप्स के लिए कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको नेविगेशन ड्रॉअर क्रिएट करना आना चाहिए। अगर सपोज आपको पता नहीं कि नेविगेशन ड्रॉअर कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यूआरएल प्रोवाइड करूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेविगेशन ड्रॉअर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट में नेविगेशन ड्रॉअर क्रिएट कर दिया है एंड इस प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ। अभी मैं जावा में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं जावा में क्लिक करता हूँ तो आपको फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है पैकेज नेम, आपको इसमें ओपन करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको मेन एक्टिविटी में क्लिक करना होगा। जैसे मैं मेन एक्टिविटी में क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ कोड विजिबल हो जाएगा। तो हमें इसे नीचे स्क्रॉल करना है एंड जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्ट ना, हमें इसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको जितने भी नेविगेशन ऑप्शन थे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फेसबुक वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन मोर रेट शेयर, हमें सबके लिए अभी कोड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पेज के लिए कोड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें इंटेंट पास कर देते हैं, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट। अगेन हम इंटेंट पास कर देते हैं, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू कॉमा यू आर आई डॉट फ्रेज एंड यहाँ पे हमें डबल साइन देना होगा एंड यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी यूज करना होगा। स्टार्ट एक्टिविटी में आपको इंटेंट पास करना होगा जो हमने ऊपर यूज किया था, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटेंट हमने यहाँ पे पास कर दिए। बट आपको ध्यान में रखना है यूआरएल में फेसबुक के पेज का यूआरएल देना है। तो हम सबसे पहले क्रोम में चले जाते हैं एंड फेसबुक के पेज में हम चले जाते हैं, उसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम अपने फेसबुक के पेज पे लोड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो मैंने फेसबुक के पेज को सर्च कर दिया है एंड हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो चुका है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यूआरएल को कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। आपको जो यहाँ पे स्लैश दिखाई दे रही है आपको यहाँ से रिमूव करना होगा। इसी कोड को हमें कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से एंड वेबसाइट में क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे भी पेस्ट करना होगा हमें। बट आपको ध्यान में रखना है क्या इंटेंट टू यूज करना है, क्योंकि अभी ही हमने इंटेंट यूज कर दिया है एंड यहाँ पे भी इंटेंट टू को पास कर देना है। एंड जो वेबसाइट है इसमें हमें वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर देना है। तो मैं अगेन ब्राउजर में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे वेबसाइट को सर्च कर देता हूँ। तो अभी मैं अपने वेबसाइट में आ चुका हूँ। इस वेबसाइट का मैं यूआरएल कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने वेबसाइट के इसमें वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड कर दिए। बट आपको ध्यान में रखना है ये जो स्लैश दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से रिमूव करना होगा। अगेन हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन में पेस्ट कर देते हैं। बट हमें इसमें इंटेंट थ्री यूज करना होगा एंड इंटेंट थ्री को पास करना होगा। आपको ध्यान में रखना है प्राइवेसी पॉलिसी में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं अगेन प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर देता हूँ। अगर सपोज आपको पता नहीं कि प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन कैसे यूज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस भी वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी को क्रिएट कर देता हूँ एंड उसका पेज ओपन कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को क्रिएट कर दिया है। मैं इसके पेज को ओपन कर देता हूँ तो व्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड जो हमारा यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके प्राइवेसी पॉलिसी में इस यूआरएल को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड अभी हम टर्म्स एंड कंडीशन को
कॉपी कर देते हैं। अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन कर दिया है एंड इसके यूआरएल को हम कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे एंड प्रोजेक्ट में जाके टर्म्स एंड कंडीशन में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इंटेंट 3 यूज करेंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंटेंट 3 यूज कर दिया इसलिए हम यहाँ पे इंटेंट 4 यूज करेंगे। सिमिलर कोड हमें मोर एप्स के लिए भी यूज करना होगा तो मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड मोर एप्स में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंटेंट 5 का यूज कर देता हूँ एंड यहाँ पे इंटेंट 5 को पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको मोर एप्स में मोर एप्स का यूआरएल प्रोवाइड करना होगा। तो हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड यहाँ पे प्ले स्टोर को सर्च कर देते हैं। जैसे हम गूगल प्ले स्टोर को सर्च कर देते हैं तो हमें गूगल प्ले का ऑप्शन ओपन आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं एंड एप्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऐप्स ओपन हो जाएंगे। आपका जो भी पैकेज नेम है या फिर ऐप्स है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिटनेस ऐप का। सपोज डैट ये मेरा ऐप है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपल डिजाइन LTD यहाँ पे हमारा डेवलपर नेम होता है। सपोज आपका कुछ भी हो यहाँ पे आपको डेवलपर नेम पे क्लिक करना होगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम डेवलपर नेम पे क्लिक कर देते हैं हमारे जितने भी एप्स रहेंगे उतने भी एप्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसको इस URL को कंट्रोल एंड सी से कॉपी कर देता हूँ एंड मोर एप्स पे पेस्ट कर देता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है मोर एप्स का URL थोड़ा हार्ड है। बस आपको कुछ नहीं, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है एंड अपना ऐप को सर्च कर देना है एंड अपने डेवलपर नेम पे क्लिक करना है और जितने भी आपके ऐप्स होंगे उतने भी ओपन हो जाएंगे। सपोज आप फर्स्ट टाइम ऐप क्रिएट कर रहे हो, आपका फर्स्ट ऐप है, तो फिर आप मोर ऐप्स का ऑप्शन मत रखिए क्योंकि हमें उस मोर ऐप्स का ऑप्शन मिल ही नहीं सकता अगर आप फर्स्ट टाइम ऐप क्रिएट कर रहे हो। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं एंड रेट के लिए हम कोड लिख देते हैं। तो रेट एंड शेयर के लिए आपको कोड कोई क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कोड ओपन हो जाएगा। तो मैं उस कोड को सबसे पहले ओपन कर देता हूं। एक कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो मैं रेट के लिए जो कोड दिखाई दे रहा है इसको मैं कंट्रोल एंड सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलर में शेयर में चला जाता हूँ एंड इस कोड को मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। हमने रेट दिस ऐप एंड शेयर के लिए सिर्फ कोड कॉपी एंड पेस्ट किया है। मैं सबसे पहले आपको रेट का कोड समझा देता हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पे जो URL दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पे URL रिडायरेक्ट करने के लिए एंड जो भी गेट पैकेज नेम का मीनिंग होता है वो डायरेक्ट आपके जो भी एप्लीकेशन अपलोड करोगे प्ले स्टोर पे वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके एप्लीकेशन में एंड वहाँ से आप अपने ऐप को रेट कर सकते हो। तो इस तरीके से रेट का ऐप का कोड होता है। मैं अभी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड ये न्यू शेयर का मीन्स जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आपका ऐप शेयर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। जो यहाँ पे https play.google.com दिखाई दे रहा है ID, आपको बस यहाँ से एप्लीकेशन ID चेंज करनी होगी। तो मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में चला जाता हूँ एंड build.gradle में चला जाता हूँ। जो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रही है एप्लीकेशन ID मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है in.idealcoder नेविगेशन ड्रावर आपको एंड तक इसको पेस्ट करना है। मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ। इज इक्वल टू एंड एंड के बीच में आपको एप्लीकेशन आईडी को पेस्ट करना है एंड आपका वर्क कम्प्लीटली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा शेयर भी अभी कम्प्लीट हो चुका है एंड रेट भी कम्प्लीट हो चुका है एंड जो भी हमारे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन विजिट वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज जो भी हमने
नेविगेशन ड्रॉअर में अप्लाई किए थे वो अभी कम्प्लीटली उनका कोड हो चुका है। तो मैं अभी अपने मोबाइल डिवाइस को प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड इंस्टॉल अभी होने वाला है। तो हम वेट करते हैं हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल होने तक। तो हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप अभी लॉन्च हो रहा है एंड अभी इंस्टॉल हो चुका है। जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था नेविगेशन ड्रॉअर वो भी यहाँ पे विजिबल हो चुका है। नेविगेशन ड्रॉअर मैं अभी थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूँ नेविगेशन ड्रॉअर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वही लिंक जब हम वेबसाइट में क्लिक करोगे वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने जो https://www.rdlcoder.in होगा वो होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगेन मैं नेविगेशन ड्रॉअर में चला जाता हूँ एंड आपको जो फेसबुक का पेज का URL दिखाई दे रहा था https://facebook.rdlexpert, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस पेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ एंड जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे हम अपने फेसबुक के पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अगेन हम नेविगेशन ड्रॉअर में चले जाते हैं एंड अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके देखते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने यहाँ पे URL प्रोवाइड किए थे वही URL हम जब क्लिक करेंगे इसमें उस पेज में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक कर दिया हम इस पेज में रिडायरेक्ट हो चुके हैं। सेम टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी सेम कंडीशन है बट अभी हम शेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो मैंने बताया था कोड में हम शेयर के कोड में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर का कोड आ चुका है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज एड यूज किया है इसलिए यूज किया है जैसे हम शेयर पे क्लिक करें तो आपके सामने सोशल मीडिया के सेंड के ऑप्शन ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ भी व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ मैं किसी को भी अपने ऐप्स की URL सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है शेयर बॉडी का दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर नेविगेशन ड्रॉअर ये आपको विजिबल हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपने ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे शेयर बॉडी में टेक्स्ट यूज किए थे वही टेक्स्ट आपको दिखाई देगा डाउनलोड नाउ तक एंड आपको यहाँ पे URL शो हो जाएगा। अगेन हम अभी नेविगेशन ड्रॉअर में चले जाते हैं। अभी हम रेट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले रेट के कोड में चला जाता हूँ। ये यहाँ पे मार्केट जो दिखाई दे रहा है ये ऐप मार्केट के लिए कोड यूज होता है एंड एक्सेप्शन में हमने जो यूज किए वो क्रोम के लिए यूज किए। तो जैसे आप ऐप मार्केट के पे क्लिक करोगे तो आपका ऐप प्ले स्टोर पे ओपन हो जाएगा बट आपका ऐप अभी तक प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पे द ऐप इज नॉट अवेलेबल इन ऐप मार्केट बोल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने नेविगेशन ड्रॉअर के ऑप्शन के रेट शेयर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन मोर जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं उसके आप कोड क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि अपने ऐप्स में रेटर्स मोर ऐप्स एंड शेयर का पेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।